साथी और दुश्मन की कहानी। एक बड़े जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान बगीचे का वासी एक खरगोश और उसका सच्चा मित्र एक चालाक सियार रहते थे। वे दोनों हमेशा मिलकर बगीचे की देखभाल करते थे। एक दिन बगीचे में एक नागिन आई जिसने बगीचे के पेड़ों पर अपने अंडों को रख दिया। खरगोश और सियार को ये देखकर बड़ी चिंता हुई क्योंकि वे नागिन से डरते थे। खरगोश ने सोचा कि कैसे नागिन को भगाया जाए। तभी उसे एक विचित्र विचार आया। वह नागिन के पास गया और कहा, आपका स्वागत है नागिन माँ, हम आपकी सेवा में कुछ मदद कर सकते हैं। नागिन ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों मुझसे क्यों मदद करना चाहते हो? खरगोश ने धीरे से कहा, हमें आपके बच्चों की देखभाल में मदद करने का अवसर मिलेगा। नागिन ने खुश होकर स्वीकार किया और उन्हें अपने अंडों के पास ले गई। खरगोश और सियार ने नागिन के बच्चों की देखभाल की और उनके साथ खेलने का मजा लिया। जब नागिन के बच्चे बड़े हो गए, वह खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बगीचे से चले गए। कुछ समय बाद बगीचे में एक विचित्र आवाज सुनाई दी। खरगोश और सियार ने वहां गए और एक बूढ़ा बब्बू मुर्गा देखा। मुर्गा बहुत ही दुखी और उदास नजर आ रहा था। खरगोश ने पूछा, बब्बू मुर्गा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मुर्गा ने कहा, मेरे बच्चे डॉक्टर बिल्ली के हाथ गए हैं और वो उन्हें खा गई है। खरगोश और सियार ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें मुर्गा की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बिल्ली के पीछे भागा और उसे धमकी दी कि वो मुर्गे के बच्चों को वापस कर दे। बिल्ली डरकर बगीचे से भाग गई और मुर्गे के बच्चे सुरक्षित हो गए। मुर्गा बहुत खुश हो गया और खरगोश और सियार को धन्यवाद दिया। बगीचे के बगैर दिखाई देने वाले एक गांव में एक नया समस्या उत्पन्न हुआ। एक अत्याधुनिक हाथी ने गांव के पास अपना आवास बनाया और अपनी अधिकतम बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता हुआ गांव के लोगों को परेशान करने लगा। खरगोश, सियार और बब्बू मुर्गा ने मिलकर यह समस्या हल करने का प्रयास किया। वे सोचा कि उन्हें हाथी को कैसे हटाया जा सकता है। तब उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वे मिलकर हाथी को धमकी देकर गांव से दूर करेंगे। उन्होंने हाथी को उसके आवास के पास बुलाया और कहा, हाथी भैया, आपका स्वागत है, हम आपके आवास की सफाई में मदद करना चाहते हैं। हाथी ने खुश होकर स्वीकार किया और उन्हें अपने आवास में ले गया। वहां खरगोश, सियार और बब्बू मुर्गा ने मिलकर हाथी को धमकी देकर उसे गांव से बाहर कर दिया। बाद में वे तीनों ने फिर से बगीचे की देखभाल में जुट गए और अपनी दोस्ती का मजबूती से संरक्षण किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम एकता और मिलजुल कर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बगीचे की सुरक्षा के लिए खरगोश, सियार, बब्बू मुर्गा और शेर ने मिलकर एक समझौता किया। उन्होंने एक दृढ़ संयुक्त राष्ट्र का गठन किया और बगीचे की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने का निर्णय किया। एक दिन जंगल में एक बड़ी आग लग गई। बगीचे में भयंकर आग लग गई और सभी जानवर भागने लगे। सभी ने मिलकर जंगली जल्दबाजी से आग को बुझाने का प्रयास किया। खरगोश ने अपनी चालाकी से जंगली जानवरों को रोके और डंडों से आग को मिटाने में मदद की। सियार ने अपनी तेज दिमागी क्षमता से जल्दबाजी से आग का सामना किया और उसे बुझाने में मदद की। बगीचे की सुरक्षा के लिए सभी जानवरों ने साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण काम किया और आग को बुझाया। इस घटना से सभी को ये सीखने को मिला कि एकता और साथ मिलकर किया गया काम हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस तरह खरगोश, सियार, बब्बू मुर्गा और शेर ने अपनी दोस्ती और सहयोग से बगीचे की सुरक्षा करते हुए एक अद्भुत कहानी को साकार किया। बगीचे की सुरक्षा कामयाबी से हुई, लेकिन एक और चुनौती उनके सामने आई। एक बुरी शक्ति ने जंगल के राजा को हराने का निशाना बनाया। ये शक्ति किसी के द्वारा नहीं बल्कि एक जादूगर की बादशाहत थी। खरगोश, सियार, बब्बू मुर्गा और शेर ने मिलकर इस बड़ी समस्या का सामना किया। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे एक साथ मिलकर जादूगर के खिलाफ लड़ेंगे। खरगोश ने अपनी चालाकी के साथ जादूगर को बहकाने का काम किया। सियार ने उसकी ध्यान भटकाने के लिए अपनी चालें चलाई। बब्बू मुर्गा ने उसकी ध्यान खींचने का काम किया और शेर ने अंत में उसे हरा दिया। जब जादूगर को हराने के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती का मजबूत संदेश दुनिया को दिया।
उन्होंने साबित किया कि जब जानवर एक साथ काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस सफलता के बाद खरगोश, सियार, बब्बू मुर्गा और शेर ने अपनी दोस्ती को मजबूती से निभाया और बगीचे की खुशहाली के लिए एक साथ काम किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और एकता का बल अद्भुत होता है।